आज के हम वीडियो में इन्फिनिक्स नोट 10 के हम कुछ फीचर्स देखने वाले हैं, जिसका फीचर बहुत अच्छा है, काफी शानदार है। मैं एक हफ्ते से यूज कर रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मोबाइल में जो भी फीचर है, कई दूसरे मोबाइल में ये फीचर नहीं है। तो चलिए फर्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। जब आप ट्रैवलिंग करते हुए चैटिंग करते हो या फिर फ्रेंड के साथ रह के चैटिंग करते हो, तो क्या होता है उस वक्त आपके फ्रेंड्स वगैरह झांकता है या फिर कोई अननोन पर्सन आके झांकता है कि आप क्या चैटिंग कर रहे हो। तो आप उन सब चीजों से बच सकते हैं, बस यहाँ पर एक फीचर दिया है पिक प्रूफ। आप इसको अनेबल कर देना और इसको ऊपर नीचे करके आप डार्क कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको व्हाट्सअप को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने व्हाट्सअप को ओपन किया, किसी एक चैट को मैंने ओपन कर लिया। अब आपको अगर सिर्फ जितना आप मैसेज देखना चाहते हो उतना आप रख सकते हैं, और यहाँ पर आप चैटिंग करोगे तो बस इतना ही दिखेगा उसको, बाकी ऊपर क्या मैसेज है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, और एक अगर एग्जिस्ट होना तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एग्जिस्ट का, उसको क्लिक कर देना, एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लैश फ्लैशलाइट मिलता है, फ्रंट पे भी मिलता है और बैक पे भी मिलता है। तो यहाँ पर एक खासियत क्या है कि फ्लैशलाइट के ऊपर ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है 360 फ्लैश, जिसको ऑन करने से दोनों फ्लैश जो है एक साथ जलने लगता है। थर्ड फीचर की अगर बात करें, अगर आपका मोबाइल पे 10 to 15% है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक एप्लीकेशन मिलता है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, जिसका नाम है पावर मैराथन। देखिए, यहाँ पर 11 आवर 23 मिनट्स दिया है। अगर आप पावर बूस्ट को अनेबल कर दो, यहाँ पर जो है ओनली 3 आवर्स और ऐड हो जाता है। देखिए, टोटल 13 आवर हो गया, हमारा 11 घंटा था यहाँ पे और 2 घंटा ऐड हो गया। चलिए, अभी के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। और इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। लेकिन नीचे देखिए, अल्ट्रा पावर सेविंग जो है, अगर आप इसको अनेबल करते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 217 घंटे यूज करने का मौका मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉल, SMS और कैलेंडर ही आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें, अगर आप ट्रेन पे ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस वक्त चार्जिंग लगा के आप कभी अगर सो जाते हो या फिर चार्जिंग लगा के आप कहीं दूसरी जगह पे बैठते हो, तो उस वक्त अगर किसी ने भी आपका मोबाइल चोरी करने की कोशिश की या फिर आपका डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, तो आपको पता चल जाएगा, वो अलार्म बजने लगेगा और अलार्म तब तक बजेगा जब तक आप पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट नहीं दोगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है चार्जर चार्जिंग डिस्कनेक्टेड। अगर वो अगर कोशिश किया चार्जिंग डिस्कनेक्ट करने की, तो यहाँ पर आपको पिन चाहिए या फिर पासवर्ड चाहिए, फिंगरप्रिंट। तो इसको अनेबल करना है, इसको अनेबल करके रख सकते हैं। जैसे डिस्कनेक्ट करेगा तो वो अलार्म बजेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर ईयरफोन भी होता है। अगर ईयरफोन अनप्लग कर दिया किसी ने तो अलार्म बजेगा, और तब तक बजेगा जब तक आप पासवर्ड और फिंगरप्रिंट नहीं दोगे। सिक्स्थ फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपको एक व्हाट्सएप मोड मिलता है। जैसे आप डाटा को ऑन करते हो तो ये डाटा ऑन करने से क्या होता है कि सारा कुछ जो एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल का, वो डाटा कंज्यूम करने लगता है। लेकिन अगर आप अभी के टाइम पे सिर्फ अगर व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप डाटा ऑन करने के साथ साथ आप व्हाट्सएप मोड को भी ऑन कर लेना। इससे क्या होता है कि जो भी डाटा है सिर्फ व्हाट्सएप ही कंज्यूम करता है, बाकी कोई भी ऐप कंज्यूम नहीं करता है। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगले फीचर बढ़ने के पहले मैं आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। चलिए, बढ़ते हैं और एक फीचर की तरफ। जैसे कि देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए देखिए, आप जो भी इसका जो लुक है वो नॉर्मल दिखता है ना। तो यहाँ पर एक फीचर मिलता है, जैसे कि देखिए नीचे लिखा है फ्रेम स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप फ्रेम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी फोन का जो फ्रंट लुक है वो यहाँ पर फ्रेम के साथ ऐड हो जाता है ना, शानदार। तो यहाँ पर देखिए डॉडल मिलता है, अगर आप किसी चीज को जो है इसे दिखाना चाहते हैं, मार्क करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या फिर किसी चीज को ब्लर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, राइज टू ईयर। देखिए, आप जब जब भी आपका कॉल आता है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ कान पे फोन लेना और वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। उससे देखिए कैसे करना है, आपको चले जाना होगा स्पेशल फंक्शन पे, जाने के बाद एक्शन एंड गेस्चर पे जाना, और यहाँ पर देखिए राइज टू ईयर लिखा है, इसको अनेबल कर देना। इसको अनेबल करते ही बस जैसे कॉल आता आपको कान पे लगा लेना, वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर, यहां से मैं देखिए यहाँ पर राइट स्लाइड करूंगा। राइट स्लाइड पे देखिए यहाँ पर एक कुछ टैब खोल के आता है, और यहाँ पर से जो है आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज करते करते आप यहाँ पर जो है क्रोम को भी यूज कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से छोटे विंडो में। तो ये रहा अभी नेक्स्ट फीचर, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, मैं अभी YouTube को ऑन ऑन कर लिया, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वीडियो को ऑन कर लिया, तो वीडियो देखिए ये चालू हो गया। लेकिन वीडियो तब तक चलेगा जब हम YouTube पे बने रहेंगे, है ना।
तो जब भी हम वीडियो यूट्यूब से जब हम आउट आ जाते, देखिए हम बाहर आ गए तो यह वीडियो बंद हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है जो कि आप स्क्रीन लॉक कर दोगे तो भी ये वीडियो चलने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने वीडियो को ऑन कर दिया, यहाँ से लेफ्ट से मैंने एक स्लाइड किया, आप लेफ्ट से भी कर सकते या फिर राइट से भी कर सकते। तो प्ले इन द बैकग्राउंड देखिए यहाँ पर मिलता है, प्ले इन द बैकग्राउंड, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड पे भी चलेगा। नेक्स्ट फीचर देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ या फिर किसी चीज़ को ऐसे मैंने क्लिक किया, ओपन किया, जैसे कि मैं यहाँ पर गैलरी को ओपन किया, फिर इसको मैंने क्लिक किया, तो ये जो प्रोसेस है, मतलब जो फास्ट स्लो का जो प्रोसेस है वो, उसको भी आप अगर स्लो है तो आप फास्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करना है आपको, स्पेशल फंक्शन पर जाना है और यहाँ पर जो है, अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ काम करना है, यहाँ पर अल्ट्रा सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अल्ट्रा सर्च कर लेता हूँ, ये देखिए अल्ट्रा मैंने लिख लिया और यहाँ पर आगे अल्ट्रा टच, अल्ट्रा टच पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए जाना है और यहाँ पर जो स्वाइप करते हैं आप, तो स्वाइप के लिए आपको तीन ऑप्शन मिलता है, नॉर्मल, फास्ट, अल्ट्रा फास्ट। तो मैंने यहाँ पर अल्ट्रा फास्ट करके रखा है। मोशन स्पीड, जो भी मोशन होता है आप नॉर्मल पे या फिर फास्ट पे रख सकते हैं। देखिए कितना फास्ट हो रहा है ना, ये देखिए कितना फास्ट हो रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। आपको यहाँ पर एक ऐप मिलता है जो कि फ्रीजर के नाम से है, जो भी आप डाउनलोड करते हैं ऐप, वो ऐप बैकग्राउंड पे रैम और डाटा जो है कंज्यूम करने लगता है। अब वो सारे ऐप को यहाँ पर अगर ऐड करके रखते हो तो इससे क्या होता है कि आपका रैम और जो डाटा है वो बच जाता है। बढ़ते नेक्स्ट फीचर, यहाँ पर जो है वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को भी एक साथ ऑन कर सकते हो। अगर आप किसी का हॉटस्पॉट देना चाहते किसी को तो आप दे सकते हो, अगर आप साथ ही साथ किसी का ले रहे हो तो आप ले भी सकते हो, तो दोनों भी एक साथ काम करेगा। नेक्स्ट फीचर जो है यहाँ पर देखिए मेरा, यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर आपको एक चीज मिलता है जैसे कि डाटा मैनेज। तो आपको डाटा मैनेज के लिए क्या करना है, आपको डाटा मैनेज के लिए देखिए यहाँ से जाना होगा, सेटिंग पे जाना होगा। डाटा मैनेज के लिए आपको सेटिंग पे जाना है, अगर यहाँ पर नहीं मिलता तो आपको शॉर्टकट मिल जाएगा जैसे कि फोन मास्टर, फोन मास्टर पे जाइएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है डाटा मैनेज, तो डाटा मैनेज पे गया मैं और यहाँ पर ऊपर लिखा है डाटा प्लान सेटिंग। अब जैसे डाटा प्लान सेटिंग करोगे तो यहाँ पर आपको पूरे मंथ का जितना MB मिलता है आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, डन कर देना है और यहाँ से जो है आपको ये पर डन कर देना। तो डन करने से क्या होता है कि आप नेक्स्ट डे का जो भी डाटा है, सिर्फ नेक्स्ट डे नहीं पूरे मंथ का डाटा आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हो। अगर आप पर डे का आपको अगर 1.5 GB मिल रहा है या फिर 2 GB मिल रहा है, कोई भी हो, अगर आपका पर डे 1.5 GB मिल रहा है, अगर खत्म भी हो गया तो आप उससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा हमारा लास्ट सेकेंड ट्रिक। अभी जो है हमारा लास्ट ट्रिक है वो वन हैंडेड मोड है। देखिए ये जो मोबाइल है इन्फिनिक्स नोट 10 है, काफ़ी लंबा मोबाइल है, आप इसको जो है वन हैंडेड मोड पे चला सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन बार पे जाना है और यहाँ पर देखिए वन हैंडेड मोड लिखा है, इसको ऐसे साइड पे भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जो भी लेफ्ट ही हो वो लेफ्ट साइड करना, जो राइट ही हो राइट साइड करना, और फिर यहाँ से जो है आप वन हैंडेड मोड से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो ऊपर क्रॉस वाला मिल जाता है। तो दोस्तों कितना अच्छा फीचर आपने देख लिया होगा, तो इसमें से कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर करना। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जाना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।